दिक्कत होती है। तो यहाँ हम सब स्टेशन इस इलाके में सर्वे करके छापरी श्यामपुर डिमोटा सब स्टेशन एक स्थापित करेंगे ताकि बिजली की व्यवस्था में आपको दिक्कत और परेशानी और ना हो और आसानी से बिजली आपको मिल जाए। निमोटा में निमोटा से बासदेव मेडे तक पक्की सड़क, सेवा सहकारी भवन, उप स्वास्थ्य केंद्र का भवन, प्राथमिक शाला, गांव का चौपाल, ये भी सब बनाया जाएगा। श्यामपुर में श्यामपुर से महागांव कदीम तक पक्की सड़क 5 किलोमीटर की है, इसको स्वीकृत कर दिया जाएगा। मंगल भवन भी बनाया जाएगा, चबूतरा निर्माण भी किया जाएगा। श्यामपुर के अलावा और भी मांगे हैं आपकी, वो मैं एक एक करके देख लूंगा। पाड़लिया हो चाहे श्यामल पानी कदीम हो, इनकी पंचायत भवन नहीं है श्यामल पानी कदीम में, तो पंचायत भवन वहां बना दिया जाएगा। और मंगल भवन जहां जहां नहीं है, एक एक मंगल भवन जहां नहीं है अभी नहीं बने, वहां मंगल भवन बना दिया जाएगा ताकि गांव के बारात हो और कोई कार्यक्रम हो वो मंगल भवन में होते रहे। क्योंकि समय अभी ज्यादा नहीं है, इस साल के चुनाव आने वाले हैं, इसलिए बाकी चीजें अपन अगली बार भी करेंगे। बताओ अगली बार अपनी सरकार बनेगी कि नहीं बनेगी? छापरी में भी कई काम मुझे यहां लिख के दिए, लेकिन प्रमुख काम उन्होंने बताया था सब स्टेशन का, तो पाड़िया का हो या फिर हमारे मगरिया के भी काम आए हैं मेरे पास, सीसी रोड वगैरह के, वो भी हम करवाएंगे। मैं चर्चा कर लूंगा और इनमें से जो काम हो सकते हैं अधिकांश करवा के दे दिए जाएंगे। एक बात और, किसान एक मांग बहुत दिनों से कर रहे हैं, क्या सब किसान बताओ जरूरत है क्या? तो अनुदान पे ट्रांसफार्मर वाली योजना भी मैं इसी महीने चालू कर दूंगा, क्योंकि उसके आवेदन भराएंगे और ट्रांसफार्मर लग जाएंगे तो सिंचाई में सुविधा हमें हो जाएगी। एक बात लेकिन मेरे मन में है, मतलब मैं भी एक बात आज कहना चाहता हूं। देखो आपकी सेवा तो मैं करता हूं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और साथी करते हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती है, और इतना काम करने के बाद भी जब कोई चुनाव के समय बाहर से आ जाता है कांग्रेस का उम्मीदवार, वो आता कितने दिन के लिए? 15 दिन के लिए। चुनाव के बाद दिखता है क्या कभी? अरे जोर से बताओ, दिखता है क्या? चुनाव के बाद कभी नहीं दिखता, केवल चुनाव में आता है और पता नहीं कितने वोट ले जाता है। जरा दिल पे हाथ रख के बताओ, जो काम करे उसका साथ देना चाहिए कि नहीं? आधे बोल रहे, आधे बोल रहे, अरे देना चाहिए कि नहीं? लेकिन गांव की आपस की अगर थोड़ी मोटी लगी बदी होती है तो उन्हें कहा ये बीजेपी का कर रहा तो मैं कांग्रेस में चलू, सही बात है कि नहीं? अरे सही है कि नहीं? लेकिन ऐसा होना चाहिए क्या? मैंने सबको बराबर माना कि नहीं? इधर से उधर से कभी किया दिया कुछ है नहीं, एक ईंट लगाई नहीं। कमलनाथ ने गिट्टी डाली कभी मेरे क्षेत्र में? कभी निमोटा में डाली, श्यामपुर में डाली, छापरी में डाली? एक काम नहीं किया, कभी एक आदमी का इलाज नहीं करवाया। लेकिन मुझे तो आश्चर्य होता कि जिनकी बाईपास सर्जरी करके मैंने दिल में अगर कहीं कोई अवरोध था वो मैंने दूर करवाया, कई बार वो ही कांग्रेस का झंडा लगा लेता है। तो मन में थोड़ी बहुत मुझे लगता है कि बात क्या है। और ये इस बार शंकर लाडली बहनों से भी कह रहा हूं, देखो मेरी बहनों, जब तक ये भैया है तुम्हारा तब तक तुम्हारी योजना है, अगर कांग्रेस कमलनाथ आ गए तो सब बंद, ये नहीं चलाने फिराने वाले, इन्हें पहले ही कई योजना, शादियां बंद कर दी, अरे तीर्थ यात्रा बंद कर दी थी, अब मैंने फिर तीर्थ यात्रा चालू कर दी, और रेल से नहीं अब हवाई जहाज से भी तीर्थ ले जाऊंगा, गरीब आदमी को भी हवाई जहाज में बैठने दो यार। और इसलिए लंबी बात ना करते हुए आपसे एक ही अपील करता हूं कि आप इस बार पूरी दुनिया को बता दें कि हम हमारे भैया के साथ हैं, हमारे मामा के साथ हैं। आपस के होंगे लड़ाई झगड़े, वो दूर करेंगे, लेकिन भैया का साथ सब देंगे। बोलो सब तैयार हो?
जोर से बोलो सब तैयार हो। और आपको पता है चुनाव में मैं नहीं आऊंगा, तो चुनाव कौन लड़ेगा? अरे चुनाव कौन लड़ेगा? आप लड़ो मेरे भाई, मेरी लाडली बहनाएं, तुम्हें ही घर घर जाओ और इस बार बेटा बेटी भांजे भांजी जीत का भी रिकॉर्ड बनाओ। बाकी कई चीजें अपन ने करी है, जो बची है और करते रहेंगे। मुझे समय इसलिए कम मिलता है कि पूरे प्रदेश में जाना पड़ता है और आप देखते होंगे सवेरे से लेके 5 बजे सुबह से लेकर रात के 1-1, 2-2 बजे तक काम करता हूं मैं। 24 घंटे में से 20-20 घंटा तुम्हारा ये भाई काम करता है। और संकल्प यही है कि जब तक जान है, जब तक सांस है, आपकी सेवा करूं, आपकी जिंदगी बदलने का काम करूं, उसमें दिन और रात में लगा रहूंगा, दिन और रात लगा रहूंगा। सबके समाज के सब वर्गों के लोगों के कल्याण के काम किए, आप सबको एक साथ मिलकर हम खड़े हों और विकास के कामों को आगे बढ़ाएं। इतने ही मुझे कहना था। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।